भरा पहला और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी पिथौरागढ़ से, और कितने बजे हैं अभी? 10:14 हो रखे हैं और आज भी मैं लेट उठी। बताया रात को मेरे को नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा कुत्ते भौंकते हैं ना यहाँ पे। एक यहाँ पे कुत्ता है वो इतना ज़्यादा भौंकता है, मैं बता नहीं सकती, और एक पीछे है वो भी इतना ज़्यादा भौंक रहे थे और मेरे को नींद नहीं आई। कल इतना गंदा हो गया, अजीब सा, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, फिर मेरे को नींद नहीं आई और मैं 3:30 उठ गई थी। 3:30 से फ़ोन में रील वील देख रही थी, कभी ब्लॉग देख रही थी, कभी एडिटिंग करी, और ऐसा ऐसा करके करके 6:30-7 बज गया। 7 बजे सोई, फिर इतनी नींद आई, बहन चली गई करके पता नहीं चला, वो चली गई कंप्यूटर को। एक ही बार बोलती मैं जा रही हूँ, मैंने वो नींद में ही सुना, बस हो गया, वो चली गई है कंप्यूटर। और फिर अभी उठी हूँ मैं, कितने बजे उठी, लेट उठी हूँ, 9:30 बजे तक। फिर खाना वाना बनाया इसने और मैंने, वो तो खा के चली गई थी, मतलब रोटी बनाई मैंने, आटा गूंदा था कल से, मैंने बोला बना के खा लेना, तो वो भी खा के चली गई। हमने भी खा लिया है खाना और रोटी सब्जी खा ली है, छाछ वाली सब्जी खाई है अभी। और कपड़े धोने थे, कपड़े नहीं धो रही हूँ, चेंज करे कपड़े। और ये है मेरा भौ, हेलो बोल दो। हेलो, आ जा रहे हैं भंडारी सदन। यो वहाँ जाने के लिए ना इतनी मगन होती है ना, पता मगन हो रहा था वहीं जाने के लिए कि वहाँ सब पसंद ना यार, आम हो रही है तब। दीदी लोग है सब भी वहाँ और इसके खेलने वाले भी बच्चे भी वही है, तो तभी एक्साइटेड हो रही है। बोल लिया कि चलो चलो चलो, कुछ काम नहीं करके गई हो, कपड़े भी धोने थे, बोल लिया चलो तो चलो, तो मैंने बोला चल चलते हैं, फिर बाद में कर लेंगे काम। कल तो बहन का बर्थडे है, कल वहाँ जाएंगे हम लोग उल्का देवी मंदिर, तो जब आई नहीं होगी तो दीदी लोग ने बोला था आज आना करके, तो जा रही हूँ मैं आज भंडारी सदन और आप लोगों को सब सबसे मिलाऊँगी। और मैंने अपने बीच का धागा काट दिया, ये देखो इतना टाइट हो गया था ना, तो कल बहन ने काट दिया, डांट रही थी, फिर ऐसे टाइट हो गया वो निकाल दे करके, तो मैंने आज निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से हाथ मेरे सही आ रखे हैं ये, बड़ी मुश्किल से ऐसे हो गए करके। मत कर तो दरवाजे को, क्यों कर रही है? तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए, इसको ज़्यादा हो रही है तरौड़ी, जाते हैं। कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा। कहाँ जा रही है तू आज? ऐसे क्यों कर रही है फिर? कहाँ जा रही है? उल्लू बैठा था। कहाँ जा रही है तू? तो दोस्तों पहुँचने वाले हैं हम, यहीं पे रहते हैं हम, सामने वाली जिस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इस वाले पे रहते हैं जिसमें कंबल फेंका है नीचे, और यहाँ है दीदी लोग और मैं जा रही हूँ यहाँ। तो यार आज दीदी का प्रमोशन हो गया है, इनके हस्बैंड जी का प्रमोशन हो रखा है, तो बधाई छ यार तेज, बहुत बहुत बधाई छ। कहीं जीजा जी एल हूँ मल्ली जा रही ना, अरे ये इंजल को देखो, इसका फुराट हो रहा है, फुराट हो रहा है इसका फुराट, अब क्यों नहीं आ रहा है इसको देखो, ये अरे हॉकी गल की बैंड जा रहा कंप्यूटर में, हाँ की गरम छा घूम था तब अरे है, अरे बुआ था दम यार, ये मेरा हम बहुत बड़ी तो उत्तर बढ़ा दिया मैंने, कहनी बहुत उबड़ा बढ़िया नौ भाजो हमले जगो, धन्यवाद अम्मा, घर में शराब बहुत उधर न दो, खन भर में आ जाओ ये खन भर में आ जाओ, जहाँ मैं दावत ले किसी हमें बहन है ओए तमन लड्डू खवाई जा, मीठा खवाई जा, बोलो जो अजी नाती ने बोलो। तो दोस्तों अभी दीदी लोगों के घर आ रखी थी, तो यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग एप्पन, और ये देखो यहाँ पे भी आधा ही बना रखा है, तो मैं इस ये वाली दीदी बना रही हूँ, सामने पे एक लड़की है वो भी बना रही है, और यहाँ पे इनकी लड़की बनाने वाली है, यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं इस वाले पे, तो बनाते हैं दोस्तों और फिर आपको भी दिखाएंगे कि कैसा बना रखा है करके हमने।
तो दोस्तों अभी बज रखे हैं 2-3 बजने वाला है और खाना हमने खा लिया है और टिकाई का भी लगा दिया है, मिठाई भी खा ली है, बधाई भी दे दी है और इनकी लड़की की शादी है तो मैंने इनको बधाई भी दे दी है और ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है यहाँ और हम भी यहाँ ऐप डालने आए थे हम भी। तो एक और लड़की आई थी इनकी दादा की मतलब भाई की लड़की है तो वो और मैं डाल रहे थे। तो एक डेली उसने बनाई है, एक डेली मैंने, तो आपको दिखाती हूँ कैसा बनाया हम लोगों ने। तो दोस्तों ये उस लड़की ने बना रखे है, सुंदर सा बहुत अच्छा लग रहा है ये, और ये वाला बनाना है। तो दोस्तों ये बना रखा है मैंने और ये उस लड़की ने बना रखा है और ये बना रखा है मैंने और एक और बनाना है, वो बनाएंगे, दुल्हन बनाएगी इसको, उसने बना रखा है ये, अभी इसमें टाइम लगेगा तो वो बनाएगी 1-2 दिन बाद। और ये बनाया मैंने, दिखाती हूँ। तो दोस्तों कैप्टन नी की मिठाई खा रहे हैं हम लोग, धन्यवाद, बधाई हो, धन्यवाद, डबल डबल बधाई। काव्य भी खा रही है मिठाई, बार मिठाई मिठाई खा रहे हैं हम भंडारी सदन में, खुशी का माहौल है, भगवान करे ऐसे ही खुशी बने रहे भंडारी सदन में। और हिमादी भी बैठी है, बुआ भी आई है, बुआ हेलो का, हेलो इनकी लड़की, हेलो बबुआ, मेरा भैया मिठाई खाओ, आप भी खाओ, आ जाओ, हेलो बाय। तो देखिए पहुंच गए हम लोग कमरे में दोस्तों, घर बोल रही हूँ, कमरे में, और अब जाते हैं ऊपर। खाना हमने वहीं खाया था, बहन के लिए भी वहीं बनाया था, बट ये बोली थी मैं नहीं खाती हूँ, यहीं खाऊंगी मैं कमरे में, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी वो छत पर बैठी है, पता नहीं उसने खाया नहीं खाया, देखते हैं, पूछते हैं उससे और जाते हैं छत में। चल भाई देखने आते हैं, छत में बैठी होगी, धूप सेक भी होगी, आज धूप तो है नहीं, बादल ही बादल में, आ जा दीदी गई है वहाँ, तो चलते हैं छत में। तो दोस्तों अभी ना हम लोग छत में से आ गए हैं, अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, वो सामने भी दादा लोगों का घर लग रहा है, वो सामने भी, तो वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, खाली मतलब यहाँ बैठे बैठे अजीब हो रहा है, खुट्टे तुंगड़ यू यार दोस्तों। तो जाते हैं वहाँ थोड़ी देर, तीनों तीन जा रहे हैं, खाली क्या करें, खाली उल्ला तक जाना घूमियो ना। तो दोस्तों यहाँ बन रहा है दीदी लोगों का घर, ये वाला अभी नीचे बन रहा है, मतलब ऐसे ही बन रहा है अभी, तो ऊपर बनेगा 2 मंजिले में, बाद में बनाएंगे नीचे अभी। तो दोस्तों लेंटर पड़ने वाला है 1-2 दिन बाद और फिर ऊपर को बनाएंगे 2 मंजिला, ये देखो। और यहाँ से किसी और की ज़मीन है, यहाँ से इधर को यहाँ तक किसी और की है और इधर से उनकी है और उस साइड को भी है इनकी, वहाँ खेत वेत मतलब वहाँ सब्जी वब्जी बोएंगे, इधर को बना रहे हैं अभी, ये छत पड़ जाएगा तो इसके बाद 2 मंजिला शुरू होगा, ऊपर को 2 मंजिला बनाएंगे दोस्तों। और हम तीनों आए हैं यहाँ, बहन काव्या मैं, और अब घूमते हैं यहाँ, नीचे जाते हैं अब, बाट नहीं है इधर से, बाट है। तो दोस्तों आज ना दादा का प्रमोशन भी हुआ है, आप लोग सभी लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। तो दादा कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। और साथ में ही चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करते रहें और एक दूसरे को शेयर भी करते रहें, धन्यवाद। तो ये बन रहा है इनका ये छत, अब 1-2 दिन में छत पड़ने वाली है दोस्तों, मजदूर लोग लगे पड़े हैं। टैक में आग लगा रही हूँ दगड़ी हुई, यह सीढ़ी और ये 2 मंजिला बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से पूरी थोरागढ़ दिखेगी आप लोगों को, ये सामने पे है मार्केट। काव्या की दोस्ती आज इनके साथ हुई है और यहाँ पे काव्या जो है खेल रही है, इनके साथ खेल रही है, ये ऐसी हो रही है इनकी हरकत। तो दोस्तों बज चुके हैं 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं और हमारा खाना बन गया है दोस्तों, और काव्या को भी थोड़ा लिखाया मैंने, अभी खाना खा लेते हैं उसके बाद लिखाएंगे क्योंकि ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। तो हम ना
खाना ना बना लेते हैं, खाना खा के बिस्तर में चले जाते हैं, फिर लिखाते हैं वहीं पे। इसको मैं लिखाती हूँ, बहन पढ़ाई करती है। तो अभी हम लोग खाते हैं। ये काबे हैं बिस्तर के, वहाँ से आ रखी है, और मैंने आज बना रखे हैं आलू। तो दोस्तों ये बना रखे हैं आलू के गुटके, आप लोग भी खाओ, आ जाओ। आजकल रोज आलू के गुटके, परसों भी बनाए थे, बहुत अच्छे हुए थे। परसों धनिया भी था, आज धनिया नहीं है दोस्तों। और मम्मी ने दे रखा है घी, और ये देखो घी खा रहे हैं, नहीं बज रखा है अभी ये। तो दोस्तों अभी खा लेते हैं हम तीनों तीन खाना, और उसके बाद करेंगे हम क्या का वो पढ़ाई ना। हाँ तो दोस्तों बाय कर दे, खाना खाते हैं, बोल खाना खाते हैं, गाना खाते हैं गाना गाते हैं का। तो दोस्तों खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों रात के बजने वाले हैं 9, और 9 बजने में कुछ ही मिनट है, 4-5 मिनट है, और अब सो जाते हैं। मेरे को ना बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कल रात ना मुझे, मतलब मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था ना यहाँ पे, तो मुझे नींद नहीं आई थी। तो आंखें भी ऐसी हो गई हैं काव्या को पढ़ाते पढ़ाते, सर दर्द हो जाती है इसको पढ़ाते, क्योंकि इतने दिनों में घर से पढ़ रही है ना, आजकल इतना कुछ भूल जा रही है, दिमाग मेरा सर दर्द हो जाता है इसको पढ़ाते पढ़ाते। अगले साल से इसका ट्यूशन ही लगाना है इस पर ना, मतलब फिर भी लिखाना तो पड़ेगा ही, होमवर्क मुझे ही लिखाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, ध्यान कम दे रही है, क्योंकि अभी घर से आई है ना, तो सब कुछ भूल के आई है घर में, क्योंकि एक महीना रहे थे, कुछ सीखा नहीं इसने वहाँ, टीवी देखा बस हो गया और कुछ नहीं करा। तो अभी बोलिए मुझे नींद आ रही है, और ये देखो सो गई बिस्तर के नीचे, सो गई वो। और लाइट भी ऑफ कर देते हैं, और ब्लॉगिंग की एंडिंग भी कर देते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मैं तारा मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय दोस्तों, जय माता दी, जय सिया राम।